इन आंखों में दर्शन करने की सामर्थ्य नहीं है, ये देख सकती है, दर्शन कहीं और से होता है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, तुलसी बाबा कहते हैं चर्म चक्षुओं से दर्शन नहीं होता, चर्म चक्षु तो देखने के काम आते हैं, दर्शन हृदय के नेत्रों से होता है, गुरुजनों की कृपा से। जब वो जब नेत्रों को आंजा जाता है किससे, गुरु पद रज मृदु मन मंजुज अन्वंजन नयन अमी त्रिग दोष विभंजन। इसीलिए कल व्यासपीठ ने निवेदन किया था, जिसके जीवन में गुरुजनों का अनुशासन नहीं होता, जिसके जीवन में आचार्यों की आचार संहिता नहीं होती, उसके जीवन में कभी एकाग्रता नहीं आती। अनुशासन आपको बांधने के लिए नहीं है, बंधन और होता है, संयम और होता है। अनुशासन बांधने के लिए नहीं है, अनुशासन आपको संयमित करने के लिए है। आपने कभी किसी को तीर चलाते देखा हो तो सबसे पहला कार्य वो क्या करता है, वो सब ओर से अपनी दृष्टि समेटता है, सब ओर से अपनी दृष्टि समेटकर वो पहले अपने अपने उस उद्देश्य पर, अपने उस लक्ष्य पर वो अपनी अपनी सारी दृष्टि केंद्रित करता है। दृष्टि के बाद धीरे धीरे उसकी चेतना एकाग्र होने लगती है और फिर तब वो अपना अपना लक्ष्य साध पाता है। हमारे गिरिराज जी वाले पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज बार बार कहते थे, बोले सोई बड़ो सूर जाके नेह भरपूर, सोई बड़ो सूर जाके नेह भरपूर और छुटत ही देह प्राण लागे निशाने पे, छुटत ही देह प्राण लागे निशाने पे, सोई बड़ो सूर। अब लोग समझते हैं कि भाई भजन करना तो निकम्मे निठल्ले आदमी का काम है, मैं कहता हूं ऐसा ही आपको व्यर्थ का कार्य लगता है तो दो घड़ी करके बताइए ना। आप बड़े से बड़ा पुरुषार्थ कर सकते हैं, पाप बुरा मत मानना। महाप्रभु वल्लभाचार्य का वाक्य है, जीवा स्वभावतः दुष्टा सर्वम कुर्वन्ति भगवंतम न भजन्ति। जीव बड़े से बड़ा पुरुषार्थ कर सकता है, अब तो लोग चांद पर भी घर बनाने का विचार करने लगे हैं, और कोई आश्चर्य नहीं है कि कभी बना भी ले, कभी बना भी ले। अभी कुछ दिन पहले मैं कहीं एक लेख पढ़ रहा था, बोले वैज्ञानिक बड़े प्रसन्न हो रहे थे, मंगल पे जीवन खोज लिया। मैंने कहा भाई मंगल पे जीवन खोज लेना आसान है, अपने जीवन का मंगल खोज लेना मुश्किल है। अपने जीवन में मंगल खोज लिया जाए ये कठिन है, ये बिना गुरुजनों की कृपा के नहीं होगा, ये बिना सत्संग के नहीं होगा। ऐसा ही सरल और व्यर्थ का कार्य लगता है ना, कथा में जाना, सत्संग में जाना, अरे दो घड़ी मन को लगाकर बैठकर बताइए, इतना सरल नहीं है। बिन सत्संग न पावे प्राणी, और तुलसी बाबा तो खरी बात कहते हैं, तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चा ना सुहा। बड़ा मैला मन होगा, विक्षेप होगा मन में, अरे यहां पर आकर भी सो जाओगे, यहां पर आकर भी सो जाओगे, सो जाते हैं लोग, और नहीं तो यही बैठे बैठे व्यापार करते रहते हैं। नृत्य तो आंख रूप के साथ करती रहती है, हाथ धन के साथ करता रहता है, गोपी कृष्ण के साथ नृत्य कैसे करना है ये सिखाती है। गोपी के जो नेत्र हैं वो कृष्ण के रूप के साथ नृत्य करते हैं, नक्ष शिख उसे निहारते हैं। गोपी के जो हाथ हैं वो श्री कृष्ण के श्री अंग की सेवा के साथ नृत्य करते हैं। दिव्य भाव की प्रतिष्ठा भगवान और भक्त की लीला श्रवण करने से होती है। आपके हृदय में एक दिव्यता आती है, आपके विचार में एक पवित्रता आती है, निर्मलता आती है। तो मैं ये निवेदन कर रहा था, गुरुजनों की चरण रज से अपने नेत्र और अंतर के नेत्र आंजने से दर्शन की योग्यता प्राप्त होती है। तो सर्वप्रथम गोपी ने धाम को प्रणाम किया। अच्छा, एक बात मैंने कल कही थी कि गोपी ने बड़ी चातुरीपूर्ण स्तुति की श्री कृष्ण की, एक ही शब्द से गोपी ने स्तुति भी की और एक ही उसी शब्द से उल्हाना भी दे दिया। जयति ते अधिकम, और जब गोपी ने कहा ना जन्मनाव्रजः, अब ये जन्म शब्द गोपी ने विशेष रूप से प्रयोग किया कि हे कृष्ण, आपके जन्म से इस ब्रज वसुंधरा का उत्कर्ष वैकुंठ से भी अधिक हो रहा है,
क्योंकि रति और श्री लिए सोहनी झारत कुसुम पराग, वहां तो जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा। अगर आप वैकुंठ आदि धाम का चिंतन करें तो वहां तो ब्रह्मा भी यदि प्रणाम करने के लिए जाते हैं तो बड़ी दूर से उनको प्रणाम करने का अवसर प्राप्त होता है, और प्रणाम भी श्री चरणों पर नहीं किया जाता। जिस पाद पीठ पर, जिस चरण चौकी पर श्री कृष्ण की पादुका विराजमान रहती हैं, ब्रह्मादिक केवल अपने मुकुट का अग्रभाग उस पाद पीठ से स्पर्श करा सकते हैं, बस इतनी सुविधा है वहां पर प्रणाम करने की। इसलिए हमारे बिंदु जी गाते हैं, जिनके चरण कमल कमला के करतल से ना निकलते देखा, उनको ब्रज की करील कुंजों में, उनको ब्रज की करील कुंजों में नंगे पांव चलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पर ब्रह्मा शंकर शंभु से भी ध्यान न जिनका संभलते देखा, उनको बाल सखा मंडल में लेकर गेंद उछलते देखा। प्रबल अब आप देखो, भगवान का तो अनेक अनेक स्थानों पर आविर्भाव हुआ है, प्राकट्य हुआ है भगवान का, लेकिन जब रज की बात आती तो केवल ब्रज रज की बात आती है, और कहीं की नहीं। यही आकर भगवान को भी, यही आकर उस परात्पर परब्रह्म को भी लोभ जगता है और भगवान माटी खाते हैं। रज का आदर तो मस्तक पर शिरोधार्य करने से भी होता, पर श्री कृष्ण ने, कन्हैया ने तो माटी खाई। अच्छा, विद्वानों ने इस पर भांति भांति की उत्प्रेक्षाएं की हैं कि क्यों खाई। किसी ने कहा कि उधर में ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड में सब भक्त हैं, सब भक्तों को ब्रज की रज दी। पर जब श्री कृष्ण ब्रज में हैं तब उनको ये स्मरण ही नहीं है कि वो भगवान है, उनको वहां स्मरण ही नहीं है कि वो भगवान है। फिर कन्हैया ने माटी खाई तो क्यों खाई, क्योंकि वृंदावन की जो रज है, ब्रज की जो रज है, उसको पादुकादि व्यवधान शून्य एक ब्रज मंडल ऐसा है जिस पर श्री कृष्ण ने कभी पादुका धारण नहीं की, पादत्राण धारण नहीं किए, तो बिल्कुल सीधा संस्पर्श जो चरणों का प्राप्त हुआ है वो केवल ब्रज की रज को हुआ है। इसीलिए व्यास जी कहते हैं, जो रज शिव सन का दिक दुर्लभ, सो रज शीस चढ़ाऊं किशोरी तोरे चरणन की रज। महाराज की जय। और फिर क्यों ना कहे गोपी, ऐसा मैंने निवेदन किया, एक ब्रज मंडल की रज ऐसी है जिसको पादुकादि व्यवधान शून्य चरण संस्पर्श प्राप्त हुआ है, और सब ठौर पे भगवान ने पादुका पहनी। अब बामन जी आए तो बामन जी को तो पादुका भेंट की, किसी ने बामन जी पहन कर गए, और मुझे लगता है श्री राम अवतार में भी, क्योंकि नरेश हैं तो पादुका तो धारण करते होंगे, पादत्राण तो पहनते होंगे। एक ब्रज मंडल ऐसा है जहां पर ईश्वर ने अपने चरणों और रज के मध्य में कोई व्यवधान नहीं आने दिया, बिल्कुल सीधा स्पर्श चरणों का प्राप्त हुआ। और चरण कैसे हैं, हमारे श्री महाप्रभु कहते हैं कि श्री प्रियालाल के चरण कैसे हैं, श्री प्रिया जी के चरण कैसे हैं, श्री राधे त्वत् पदाब्जात स्रवति निरवधि प्रेम पीयूष कोटि। श्री कृष्ण के चरणारविंद के नीचे जो लालिमा है, वो लालिमा क्या है, अनंत अनंत भक्त सतत अपने 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 अनुराग से अभिषेक करते हैं श्री कृष्ण के चरणों का, अपने हृदय कमल पर विराजमान करके, और अनुराग का रंग होता है लाल।
अनुराग का रंग लाल होता है। अनंत अनंत भक्त अनादिकाल से श्री कृष्ण के चारों चरणों का अभिषेक कर रहे हैं, वही लालिमा श्री श्री चरणों में उजागर हुई है, प्रकट हुई है। काम के मद को मथने वाले श्री कृष्ण के चरण है। हमारे ध्रुवदास जी तो सिद्धांत विचार लीला में कहते हैं, बोले जिनके चरण की परछाई देख, विचार करो तो बुद्धि थक जाएगी, बोले जिनके चरणन की परछाई देख कोटि कोटि मनोज रति सहित लुंठित हुए, ऐसे श्री कृष्ण के चरण है, ऐसे श्री कृष्ण के चरणों का सौंदर्य है, ऐसी उनकी सुकुमारता है और उन चरणों का सीधा संस्पर्श ब्रज की रज को प्राप्त हुआ है। इसीलिए गोपी कहती है, अरे कहा करूं बैकुंठ ही जाए, कहा करूं बैकुंठ ही जाए, जहां नहीं नंद जहां नहीं यशोदा, जहां नहीं नंद जहां नहीं यशोदा, जहां नहीं गोपी ग्वाल लगाए, अरे कहा करूं वैकुंठ ही जहां नहीं जल जमुना को निर्मल और नहीं कदम्ब की छाए, कहाँ करूं बैकुंठ ही जाए। और अंतिम पंक्ति में तो परमानंद स्वामी चमत्कार करते हैं ये कहकर, परमानंद प्रभु चतुर ग्वालिनी, परमानंद प्रभु चतुर ग्वालिनी, ब्रज रज तज मेरी जाए बलाए। कह रहे सोई चतुर, जैसे मेरे तुलसी बाबा कहते हैं ना, सोई कभी कोविद सोई मति धीरा, जो छल छाड़ भजे रघुवीर, नीति निपुण सोई परम सुजाना, श्रुति सिद्धांत नीक तेही जाना, सोई कवि कोविद सोई रण धीरा, जो छल छाड़ भजे रघुवीरा। मेरा कबीर कहता है कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पर पंडित भया ना कोई, पढ़ तो लिया लेकिन बुद्धि तो आई नहीं, विवेक नहीं जगा। विद्या की प्राप्ति का लक्ष्य क्या है? विवेक जग जाए। और विवेक क्या है? सत और असत का बोध हो जाए। और बड़े लोगों की तो भाई बात बड़ी होवे, अगर सीधे शब्द में मैं कह दूं तो तुलसी बाबा कहते हैं, उमा कहां हूं मैं अनुभव अपना। अच्छा, कहने वाला भी कौन है? ये अनुभव भी किसका है? आपका मेरा नहीं, ये अनुभव भी किसका है? तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पामर काजा। जो सिद्धों के सिद्ध हैं, जो आराध्यों के आराध्य हैं, ये उनका अनुभव है। और कितने सरल शब्दों में महादेव मंत्र दे देते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। इसीलिए भाई, तन का बल धन का बल देने में तो हो सकता है कर्म ने पक्षपात किया हो, संसार की प्राप्ति के योग्य तो सभी नहीं हो सकते। वेद पढ़ने में सबका अधिकार नहीं है, कर्म कांड में सबका अधिकार नहीं है, विद्या की प्राप्ति के लिए सब योग्य नहीं है। पर आपको एक बात बताऊं कि जितनी बुद्धि भगवान को जानने के लिए चाहिए, प्रपंच को जानने के लिए जितनी बुद्धि चाहिए, उसका तो देखो कोई अंत नहीं है। हमारे बड़े बाबा कहते थे, जीवन में भजन को तो विश्राम मिलता है, प्रपंच का अंत कभी नहीं आता, ये अंतहीन है। तो भगवान ने संसार की उपलब्धि की योग्यता तो सबको दी हो कि ना दी हो, लेकिन भगवान को जानने के लिए जितनी बुद्धि चाहिए, उतनी बुद्धि भगवान ने मूर्ख से मूर्ख को भी दी है। जितनी बुद्धि उस सत्य को जानने के लिए चाहिए, वो जो सीधा साधा सा विवेक है, निज अनुभव
सुन कहूं खगेसा बिन हरि भजन न जाहि कलेसा। और उमा कहूं मैं अनुभव अपना, मैं जब जब इस पंक्ति का चिंतन करता हूं तो खो जाता हूं कि कहा भी किसने। महादेव अपना अनुभव कह रहे हैं कि बस एक ही बात जानने योग्य है, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो ऐसे ही परमानंद कह रहे, परमानंद प्रभु चतुर ग्वालिनी, बोले इन तीनों लोकों में अगर कोई चतुर है। ऐसे नारद जी ने जब भक्ति सूत्र की रचना की तो नारद जी से पूछा किसी ने, भक्त अर्थात क्या, भक्त अर्थात कौन, कैसा होता है भक्त, क्या लक्षण होते हैं उसके, कौन कौन सा गुण होता है भक्त में। तो नारद जी ने एक शब्द में उत्तर दे दिया, यथा ब्रज गोपी का नाम, जैसे ब्रज की गोपी है। अगर भक्त की कोई परिभाषा है तो एक शब्द में है, जैसे ब्रज की गोपी है, जो गाए तो कृष्ण और खाए तो कृष्ण, सोए तो कृष्ण, जगे तो कृष्ण, जिसने जानने योग्य बात जान ली। सोई कवि कोविद और सोई रणधीरा, जो छल छाण भजे रघुवीरा, नीति निपुण सोई चतुर, सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत नीक ते ही जाना, जिसने जानने योग्य बात जान ली। उद्धव अपना ब्रह्म ज्ञान देने के लिए आए तो गोपी ने कहा कि उद्धव तेरो जोग कहां राखे, यहां रोम रोम शाम है। अब जो तू पोथी हमें पढ़ाने आया है, उस पोथी को पढ़ने योग्य बुद्धि हमारे पास नहीं है। हम तो जो जानने योग्य बात थी वो जान गई, और जानने योग्य इतना ही है, सुर हमारे नंद ननन बिन, सुर हमारे नंद ननन बिन, और नहीं जगदीश रघु, और नहीं जगदीश रघु। बैंगलोर में कथा कह रहा था यहाँ आने से पहले, तो एक सज्जन शंभू जी को बाइबल देकर गए, बोले आप महाराज श्री से कहना इसका अवलोकन करेंगे। तो मैंने शंभू जी से कहा, बड़े आदर से उनको लौटा देना कि हमारा काम तो हमारी गीता से ही चल जाता है, इससे अधिक की ना हमको आवश्यकता है और ना इससे अधिक हम जानना चाहते हैं। हमारा इतने से काम चलता है, हमें पर्याप्त है, इस जीवन के लिए नहीं, अनेक जीवन के लिए हमें गीता का ज्ञान, हमें मानस की चौपाई और हमें भागवत का श्लोक पर्याप्त है, हमें इससे अधिक किसी और की आवश्यकता नहीं। जो जानने योग्य उसको जानने के लिए बड़ी बड़ी थोड़ी सी बुद्धि की आवश्यकता है, अधिक बुद्धि ही उपद्रव करती है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जब माँ काली के सन्मुख होते थे तो माँ काली से कहते थे कि माँ आप मेरी बुद्धि पर कुठाराघात कर दो, आप मुझे बुद्धिहीन बना दो, इस बुद्धि ने आवरण रचा है, ये बुद्धि ही है जो तर्क उपस्थित करती है, ये बुद्धि ही है जो संकल्प और विकल्प में उलझाती है मेरे सुंदर सुकोमल हृदय को, मेरा हृदय उलझ जाता है इस बुद्धि के तर्क जाल में, इस वाक जाल में, आप मुझ पर कृपा करिए और मुझे बुद्धिहीन कर दीजिए। इसीलिए किसी ने गाया है, अगर ये खुश हो जाए तो कदाई बख्श देते, अगर नाराज हो तो बादशाही बख्श देते हैं, अगर अपना बनाते हैं तो सब कुछ लूट लेते हैं, ये मोहन है तभी तो मुस्कुरा कर लूट लेते। इसलिए तो कल मैं आपसे कह रहा था, आपको त्रिलोकी में श्री कृष्ण जैसा कहने वाला कौन मिलेगा कि तुम मेरे पास आओ मैं तुमसे सब ले लूंगा। देवता तो कहता है कि तुम थोड़ा दो मैं बहुत दूंगा। मैं देखता था पहले जब कभी देवी का जागरण होता था तो वो क्या कहते थे, बोले माई एक का सवा लाख देगी,
ऐसे झांसा देते थे, है ना। तो प्राय करके तो ऐसा ही होता है, एक अकेले मेरे कृष्ण ऐसे हैं जो आपको स्पष्ट कह देते हैं कि मेरे पास आओगे तो जो तुम्हारे पास है वो सब ले लूंगा। लेकिन आपने आपने आधी बात सुनी, और आप आधी बात सुनकर ही आप अपने अपने कोई और संकल्प खोजा और आप चल दिए। हमारे बड़े बाबा कहते थे, बोले ब्रिज का ठाकुर रुलाता तो है, जिस पर तुम हो रीझते क्या देते यदुवीर, रोना धोना सिसकना और आहो की जागीर। घनानंद कहते कौन सी पार्टी पड़े हो लला, मन लेहू पे देहू छटाक नहीं। बोले मन लिया हमसे हमारा सर्वस्व लिया, और अब हमारी ओर मुड़कर देखते भी नहीं, अब हमको एक कृपा दृष्टि के भी लाले पड़े हैं। जब नरसिंह जी को केदारा राग सिद्ध था, वो रोज श्याम सुंदर को केदार राग सुनाते थे, और श्याम सुंदर के गले में पड़ी जो सुंदर बैजंती माला होती थी श्री कृष्ण प्रसाद स्वरूप नरसिंह जी को देते थे। अब विमुखों के मन में संशय हुआ, बोले ये खुद घर से बट कर लाता है माला, कच्चे सूत में माला बट के लाता होगा, माला टूट के गिर पड़ती होगी। तो उन विमुखों ने विद्वेषियों ने राजा से कहा, बोले महाराज जी आपके मंदिर में ये रोज ऐसे प्रपंच करता है, पाखंडी है, आप आज्ञा दे तो एक दिन हम माला बट के पहनाए। तो राजा ने कहा कि आप कर देखिए, वैसे भक्त की परीक्षा करनी नहीं चाहिए, आपके मन में संशय उपस्थित हुआ है तो आप करके देखिए, भक्त की प्रतीक्षा करनी चाहिए, भक्त की परीक्षा नहीं करनी चाहिए। अब विद्वेषी थे, निंदक थे, और संयोग क्या हुआ कि जिस दिन ये घटना हुई उसी दिन नरसिंह जी ने केदारा राग गिरवी रख दिया था। हुआ क्या, नरसिंह जी के यहां कुछ संत आए, नरसिंह जी के यहां सेवा के लिए कुछ था नहीं, सेठ के पास गए तो सेठ ने कहा कि भाई कुछ दे कर जाओ, तभी मुझे आशा रहेगी कि आप मेरी वस्तु मेरा धन लौटाएंगे। तो नरसिंह जी ने कहा हमारे पास और तो कुछ है नहीं, ये केदार राग मुझे प्राणों से अधिक प्रिय है, क्योंकि यही सुनकर श्याम सुंदर रीझते हैं, तो ये केदार राग गिरवी रख जाता हूं मैं तुम्हारे, जब तक ये केदार राग यहां गिरवी रखा रहेगा तब तक इसे गाऊंगा नहीं। सेठ को विश्वास था, वो जानता था कि नरसिंह भक्त हैं, उसको उनकी बात की सत्यता पर पूर्ण विश्वास था। तो नरसिंह जी ने केदार राग गिरवी रख दिया। अब भाई केदार राग रखा है गिरवी, दूसरा राग नरसिंह जी गाए और श्याम सुंदर रीझे नहीं, माला टूट के गिरे नहीं। अब विद्वेषियों ने कहा कि राजा से, बोले देखो हम तो पहले ही कहते थे ये घर से कच्चे सूत में माला बट के लाता है, और माला के बोझ से माला टूट कर गिर जाती है, अब आज क्यों नहीं टूटती। अब गाते गाते कंठ सूख गया नरसिंह जी का, और मन ही मन कोस रहे हैं ठाकुर जी को, बोले अब क्या करूं, भाग्य में तुम लिखे हो, यही मैंने महादेव का भजन किया होता तो उन्होंने तो पुरोहित को सोने की नगरी लंका दान में दे दी थी, यही मैंने नारायण का भजन किया होता तो लक्ष्मीपति मेरा सब दुख दूर कर देते, पर क्या करूं, जाको है जासो मन मान्यो, सो है ताके हाथ बिकान्यो, पर क्या करूं, मन तुम में लगा है, हटाए हटता नहीं, कहीं और जाता नहीं, प्राण तुम ही पर न्योछावर होते हैं, करूं क्या, कोई और विकल्प नहीं है मेरे पास। बस ठाकुर जी को प्रेम भरी गाली सुननी थी। ठाकुर जी पहुंच गए, नरसिंह जी का भेज धरे सेठ के यहां, सेठ जी थे नहीं, सेठानी घर में थी, तो ठाकुर जी ने रुपया दिया, केदारा राग छुड़ाया, पत्रा पे लिखाया और लेकर चले। नरसिंह जी मंदिर में गा रहे थे, ठाकुर जी ने लाकर पत्र सन्मुख धर दिया, नरसिंह जी ने केदार राग गाया, माला तो नरसिंह जी को प्रसाद स्वरूप मिल गई, लेकिन नरसिंह जी ने प्रेम भरा उल्हाना दिया। श्री ठाकुर जी ने कहा कि आप ही ने उस सेठानी को एक दिन सहज में आशीर्वाद दे दिया था कि इसी जन्म में इसी जीवन में तुझे श्री कृष्ण का दर्शन होगा, आपका आशीर्वाद पूर्ण करना था इसलिए लीला करनी पड़ी। तो बाबा कहते थे ब्रज का ठाकुर रुलाता तो है, रुलाता तो है, पर कबीर कहता है अरे हंस हंस कंत ना पाइया, जिन पाया तिन रोए, और हांसी खेले पिब मिले तो कौन दुहागन होए, हंस हंस कंत ना पाइया, जन्म जन्म का मैल जमाए मन पे कैसे धुलेगा। गालिब बड़ी सुंदर बात कहता है, रोने से और इश्क में बेबाक हो गए, रोने से और इश्क में बेबाक हो गए, और धोए गए हम इतना कि बस पाक हो गए। रोते रोते जीव निर्मल हो जाता है और अंतर का मैल धुलता है जब जीव प्रभु का स्मरण करके रोता है। पंथ निहारो डगर गुहारो और भी
मीरा जी तो यही कह रही हैं, जो मैं ऐसा जानती प्रीत किए दुख होए, तो नगर ढिंडोरा पीटती कि प्रीत न करियो कोय। पीड़ा तो है प्रतात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग तूल न ताही सकल मिली जो सुख लव सतसंग। कोई कोई उद्धव गोपी की पीड़ा हरने ही तो गए थे, गोपियों की पीड़ा देखकर ही तो उद्धव गए और कहा कि आपकी मैं पीड़ा दूर किए देता हूं। गोपी ने कहा अरे तू क्या हमारी पीड़ा दूर करेगा, विधना इन अखियान को सुख सिरजो ही ना है, देखत बने न देखते बिन देखे अकुलाए। अब यही तो धन बचाए हमारे पास, ये श्री कृष्ण का विरह, ये हमारे प्राणों की व्याकुलता, ये हमारे प्राणों की चटपटी। प्राण पिंजरे में कैद मन सांवरिया के पास, सांसों की ये नाव पुरानी इसका क्या विश्वास। कि प्राण पिंजरे में कैद मन सांवरिया के पास, ये पीड़ा ही तो हमारी संपत्ति है और अब ये संपत्ति भी तू हमसे लेने आया है, बाकी सब तो वो छलिया हमसे छल कर ले गया। चित चोर ने चित चुराया मेरा, अरे छलिया गया फिर भाज कहाँ, ब्रजमंडल के युवराज बिना सुख का सब साज समाज कहाँ, अब और सुहाता नहीं कुछ भी, सखी लाग गई फिर लाज कहाँ, कोई दुखिया पे दया करके, अरे बता दूरी ब्रिजराज कहाँ, बता दूरी ब्रिजराज कहाँ। ओ जब खिले चांदनी रात नैन बरसात, मोहन को पाती भिजवा दो, शाम को पाती भिजवा दो, मोहन को पाती भिजवा दो। तो बाबा कहते थे रुलाता तो है पर एक एक अश्रु का मोल भी चुकाता है, रुलाता तो है पर रोने वाले की आंख से गिरने वाले एक एक अश्रु का ये मोल भी चुकाता है। उनके जैसा प्रेम करना किसे आता है, कौन करेगा, जीव से श्री कृष्ण जैसा प्रेम और कौन करेगा। मेरे तुलसी बाबा कहते गई मारन पूतना कुछ काल कूट लगाए, और मातु की गति दई ताही कृपाल जादव राय। और इसीलिए महादेव कह रहे हैं उमा राम सुभाव तिन जाना, ताही भज तज भाव न आ। ये जो इस प्रकार से संत जनों के मुख से, भगवत जनों के मुख से ये जो भगवत कथा श्रवण करने का जो ये सौभाग्य है, ये जो भगवत कथा का जो प्रसाद है, ये करता क्या है, ये प्रभु के स्वभाव से ही जीव का परिचय कराता है, प्रतीति होती है जीव को प्रभु के स्वरूप की, स्वभाव की, उनके भाव की, उनके प्रभाव की। जहां से आज मैंने चर्चा आरंभ की कि प्रथम क्षण होता है वो जीवन में सुख का, आनंद की घड़ी होती है, जिस दिन जीव को ये चेत होता है, जिस दिन जीव को ये बोध होता है कि मैं प्रभु का हूं और प्रभु से बिछड़ गया हूं, दूर हो गया हूं। कित पाऊं तरुवर की छाऊ, जित साजे कृष्ण कन्हैया,
मन का ताप शाप भटकन का तुम ही हरो हरि रास। इसीलिए श्रीमद् भागवत कहती है तुलयाम लवे नापिना स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुत आशिषः। कि एक क्षण का जो भक्त का संग है, सेवा और तीर्थ भ्रमण फलत है काले ही पाए, पे भक्त संग को एक क्षण देत भक्ति उपजाए। भक्त के पास बैठने से, भक्त के पास बैठने से भगवान के स्वरूप और स्वभाव की प्रीति और प्रतीति प्राप्त होती है। और जैसे ही प्रभु का स्वभाव पता चलता है, देखो स्वरूप से आकर्षण होता है, स्वरूप से आकर्षण होता है, स्वभाव से समर्पण होता है। अगर स्वरूप भी सुंदर हो और स्वभाव भी सुंदर हो, फिर समर्पण होने में देर नहीं लगती। जब संत के मुख से जब प्रभु के स्वभाव का परिचय प्राप्त होता है, फिर जीव समर्पित होता है, फिर जीव आत्म निवेदन के लिए प्रस्तुत होता है। तो श्री कृष्ण जैसा प्रेम कौन करता है जीव के साथ, कौन कर सकता है। जिमी बालक राखे महतारी, करूं सदा तिनकी रखवारी। अभी कुछ देर पहले मैंने निवेदन किया कि भाई खांड का लड्डू बनाओ तो भी मीठा है, खांड का करेला बना तो भी मीठा है। ऐसे ही श्री कृष्ण की ओर से जो आए, इसीलिए बड़े लोग कहते हैं कि भैया क्या मिल रहा है इसका विचार न करना, क्या मिल रहा है इसका विचार न करना, देने वाला कौन है इस पर दृष्टि रखना। कंठ पकड़कर प्राण तो हर लिए श्री कृष्ण ने पूतना के, कंठ पकड़ा प्राण हर लिए पूतना के, लेकिन दिया क्या। अंत में मिली पूतना को कौन सी गति, मातु की गति दई ताही कृपाल जादव राय। ऐसी कवन प्रभु की रीत, बिरद हेतु पुनीत परिहर पामरन पर प्रीत। पांचाली को राजसभा में राम नाम सुधे आए, ताको दुख हरे ओ करुणा में। ग्रास था महारानी रुक्मिणी के हाथ में, खिला रही थी, भोजन करा रही थी द्वारिकाधीश को, कान में स्वर पड़ा पाहि माम, हे कृष्ण हे गोविंद द्वारिका वासिन। कान में स्वर पड़ा श्री कृष्ण के कि द्रौपदी ने आर्त स्वर में पुकारा है। ग्रास था महारानी रुक्मिणी के हाथ में, और जैसे दौड़ता है कोई कि किसी परम आत्मीय ने पुकारा हो, कोई कष्ट में हो, कोई संकट में हो। इसीलिए तुलसी बाबा कहते हैं जब लग गज बल अपनो बरत्यो नेक सरो नहीं काम, और निर्बल है बल राम पुकारो आए आधे नाम। आधा आधा नाम सुना भगवान ने और भगवान दौड़कर आए। द्रौपदी के मुख से सुना हे गोविंद द्वारिका वासन, उस स्वर में करुणा थी, उस स्वर में पीड़ा थी, उस स्वर में कष्ट था, आर्त थी द्रौपदी, और पुकारा पांचाली को राजसभा में राम नाम सुझे आए, ताको दुख हरे ओ करुणा में, ताको दुख हरे ओ करुणा में, अपनी पैज बढ़ाई हरि को नाम सदा सुखदाई। बाहर प्रलय का जल बरसता हो, बालक यदि मां की गोद में हो तो निर्भय होता है। बाहर प्रलय के मेघ बरसते हो, प्रलय की अग्नि दग्ध करती हो संसार को, बालक यदि मां की गोद में है तो वो निर्भय होता है, वो निश्चिंत होता है, क्योंकि जननी की गोद में है, उसके आलिंगन में है। ऐसे ही अरहट की घरनी की भांति संसार बनता हो बिगड़ता हो, पर भक्त निश्चिंत है। क्यों? क्योंकि वो अपनी उस जननी की गोद में है। सहजो भाई बड़ी सुंदर बात कहती हैं, हम बालक तुम माए हमारे, पल पल माए करो रखवारे, निस दिन गोदी में ही राखो
यहां से उतरना नहीं है। और मैं तो अपनी भली भरी बरी कुछ पहचानती नहीं, जैसी हूं तैसी हूं, पर आपकी हूं। विषय और जाने नहीं दे वो ढूर ढूर जाओ गह गह ले वो चरण दास है सहजो दासी तुम रक्षक पूरन अविनाशी तुम रक्षक पूरन अविनाशी हम बालक तुम माए हमारे पल पल माय करो कबीर कहते कि भाई वही चतुर है वही निपुण है उसी ने जीवन का लाभ लिया जिसने जानने योग्य को जान लिया। आप और मैं बहुत कुछ ऐसा जानते हैं जिसको जानने की कोई आवश्यकता नहीं। जब तक बुद्धि के आधार पर आप इस पथ के पथिक बनेंगे तब तक आपको तर्क के अतिरिक्त और कुछ हाथ नहीं आएगा। किसी ने बड़ी सुंदर बात कही है, फलसफी को बहस के अंदर खुदा मिलता नहीं, फलसफी को बहस के अंदर खुदा मिलता नहीं, डोर तो सुलझा रहा लेकिन सिरा मिलता नहीं। भगवान अनुमान से सिद्ध नहीं होते, भगवान अनुभव से सिद्ध होते हैं। जो लोग मशीन की नोक पर भगवान सिद्ध करना चाहते हैं मूर्ख ही तो हैं, और क्या कहना चाहिए। बंबई में एक व्यक्ति आया मेरे पास, मैं बड़ा बड़ा क्रोध में भरा हुआ, और बोले मैं भगवान को नहीं मानता। तो मैंने कहा मत माने भैया, मैं तो मना भी नहीं सकता, क्योंकि भगवान को देखने के लिए जो दृष्टि चाहिए वो दृष्टि तो गुरुजनों की कृपा से प्राप्त होती है, वो अपने प्रयास और पुरुषार्थ से नहीं पाई जाती। प्रभु को अनुभव करने के लिए जो भावना चाहिए, भावना में जो सुकोमलता चाहिए, वो सुकोमलता तो भक्त की कृपा से प्राप्त होती है। सबते ऊंचो प्रेम फल कैसे पई हो ताही, शीश धरे जब चरण तर तब पहुंचे कर्माए। हाँ, पर मैंने कहा भैया तेरा समाधान इतनो जरूर कर दूं मैं कि तू आए हुए मेरे पास में, और हमारे राधा वल्लभ जी के मंदिर में महाराज जी एक संत थे, आपके यही बीकानेर के थे, और क्षत्रिय राजपूत थे, बड़ा सबल उनका शरीर और खूब सेवा किया करते थे। जमुना जी के उस पार जाते थे रोज और फूल चुन कर लाते थे श्री जी की फूल श्रृंगार सेवा करने के लिए। एक दिन शायद सावन भादों का महीना रहा होगा तो जमुना जी से आ रहे थे, और क्या हुआ कि मगर ने पांव पकड़ लिया, कटी में पुष्प बंधे थे। अब जल में मगर का बल अनंत गुना अधिक हो जाता है, लेकिन वो बड़े शूरवीर थे, मन ही मन श्री जी से प्रार्थना करते रहे, बोले कि मुझे मर जाने का भय नहीं है, इससे सुंदर गति और क्या मिलेगी, यमुना जी के मध्य में मेरा शरीर छूटे, पर एक कष्ट है, आज आपकी फूल सिंगार की सेवा कैसे होगी, सेवा अपूर्ण रह जाएगी, बस इसी बात की चिंता है, इसी बात का कष्ट है। जब तक सांस है तब तक आस है, और भक्त का बल तो भगवान होते हैं। सेवा की ऐसी सुदृढ़ भावना उनके हृदय में, और किसी प्रकार से उस मगर से लड़ते हुए आ पहुंचे किनारे तक। अब जब मंदिर जाने लगे, जाने मन में क्या आया, मगरमच्छ की पूंछ पकड़ी और खींचते हुए मंदिर में ले आए। अब मंदिर में सब लोगों ने कही, और बहुत पुरानी बात नहीं है, अभी 30-35 बरस पहले की बात है। अब मंदिर में दो चार बाबा जी ने कही, बोले बाबा आज ये कैसो उधम पकड़ लायो। उन्होंने राधा संध्या का समय था, राधा वल्लभ जी के सन्मुख किया, टांग से रक्त बह रहा है, राधा वल्लभ जी के सन्मुख किया, चरणामृत तो किनका प्रसाद उसके मुख में डाला, और पूंछ पकड़कर वापस लेकर जा रहे हैं जमुना जी की ओर। रास्ते में किसी ने पूछा, बोले बाबा आज कौन सी लीला रची। बोले भैया या न संत को चरण पकड़ो वे, या को कल्याण तो होना ही चाहिए। बोले जैसे तैसे भाए कुभाए, इसने संत का चरण पकड़ा है, इसको ठाकुर जी का दर्शन तो होना चाहिए। तो मैंने कहा भैया ऐसे तू हमारे पास में आ गए हो, अब तू कह तो रहो भगवान को नहीं मानता हूं। मैंने कहा एक बार आप एक काम करिए, बस आप अपने वाक्य से भगवान हटा दीजिए और फिर बोलिए। तो बोले क्या बोलूं। मैंने कहा भगवान हटाकर जो बचे वो बोलो।
एक भगवान हटा दो, बाकी जो बच जाए उसको गाओ। तो मैंने कहा बोल के देखो आनंद आएगा। बोले अच्छा। मैंने कहा हाँ। तो बोले मैं को नहीं मानता, मैं को नहीं मानता। मैंने कहा देख मेरे सामने तो कह दी, जो अपनी घरवाली के सामने गई तो शाम तक पागलन के डॉक्टर के पास ले जाएगी, और डॉक्टर मेरे जैसे हो गए हो तो बिजली को झटका दे देगो। तो मैंने कहा बेटा भगवान को तो तू अपनी बात से भी ना हटा सके, और कहां से हटावेगो, भगवान तो तेरी बात में ही बैठो है। इसीलिए महाराज कहते हैं वाणी में, अरे काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा सोए संग समाई, पुहुप माई जो बास बसत है मुकुर माई जो छाई, तैसे ही हर बसे निरंतर घट ही खोजो भाई, बाहर भीतर एको जानो एह गुरु ज्ञान बताई, और कह नानक बिन आपा चीन्हे मिटे न भ्रम की काई। सहजो भाई कहती है आपुन ही को खोज, मिले तब राम सने ही, आपुन ही को खोज। भगवान को जानने के लिए बुद्धि की आवश्यकता नहीं है, बुद्धि तो आवरण उपस्थित करती है, बुद्धि तो आपको तर्क देगी। पूछते हैं मुझसे लोग आकर, बोले आप भगवान को भोग लगाते हो तो भोग लगता है क्या? बोले ठाकुर जी भोग लगाते हैं क्या? अब ठाकुर को लगाओ तो ठाकुर लगाए। आप पूछते तो अपने उनसे हो, सुनो जी आप क्या खाओगे, और थाली धरते हो आप ठाकुर जी के सन्मुख। ऐसे नहीं पाते। जब उद्धव आए मथुरा से, और उद्धव ने सब हालचाल सुनाया, सबसे प्रथम भेंट उद्धव की ब्रज में आने पर नंद बाबा से हुई। तो जब उद्धव ने सारा हालचाल सुनाया नंद बाबा को, सब कुछ सुनने के बाद नंद बाबा ने सिर्फ एक बात पूछी नंद बाबा ने, यहां तो खावे था मैया से रोटी, यहां तो खावे था मैया से रोटी, वाको मैया से रोटी मिले है के नहीं, वाको मैया से रोटी मिले है के नहीं रे, उधो सीधे बता। बोले मुझे और बात नहीं सुननी। यहां तो सोए था बाबा की गोदी, यहाँ तो सोवे था बाबा की गोदी, हो बाको बाबा सी गोदी मिले है के नाही, बाको बाबा सी गोदी मिले है के नाही रे, उधो सीधे मेरे कनुआ को मनुआ लगे है के नाही रे, मेरे कनुआ को मन लगे है के नाही सीधे। बस मुझे तो एक बात जाननी है कि ठीक से खाता है और ठीक से सोता है ना, क्योंकि मैं उसका स्वभाव जानता हूं। उसकी मैया पूरे आंगन में उसके पीछे पीछे दौड़ती थी, हाथ में रोटी पे माखन का लौना धरे ये यशोदा उसके आंगन में उसके पीछे पीछे डोलती थी, 100 बार उसकी मनुहार करती थी, तब वो एक ग्रास खाता था। क्योंकि जहां तक मैंने समझा उसे वस्तु की भूख नहीं लगती, वो तो भाव का भूखा है। दुर्योधन ने पूछा क्यों नहीं आ रहे आप मेरे महल में, द्वारिकाधीश ने कहा कि वस्तु की भूख मुझे नहीं है और भाव तेरे पास नहीं है, तो तेरे यहां आने का कोई कारण नहीं है। जिस वस्तु की भूख मुझे लगती है वो वस्तु तेरे पास नहीं है, तेरे सोने चांदी के पात्रों में मुझे उस वस्तु की सुवास नहीं आती जिस वस्तु का मैं भूखा हूं, जिस वस्तु से मेरा पोषण होता है, जो वस्तु मुझे पुष्ट करती है। श्री कृष्ण के समग्र ऐश्वर्य का वर्णन सुनने के बाद नंद बाबा ने एक बात पूछी कि खाता और सोता तो ठीक से है ना, बस इतना बता दो। मेरे कनुआ को मनुआ लगे है के नाही रे, उधो सीधे बता।
इसलिए रसखान ने कहा होगा कि मानुष हो तो वही रसखान, बसों नित गोकुल गांव के ग्वारन, और जो पशु हो तो बसेरो करो चरों नित नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिरी को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण, और जो खग हो तो बसेरो करो कालिंदी कूल कदंब की डार। सोई 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 है गमार जिस कियो नहीं प्यार और नहीं पायो दरबार या नंद के कुमार को। हमारे श्री हिद्दास बाबा कहते थे निराली शान रखती हैं मेरे दिलदार की आंखें, निराली शान रखती हैं मेरे दिलदार की आंखें, छुरी हैं या के खंजर हैं मेरे सरकार की आंखें, वो नादा हैं जिन्होंने दुनिया में आके और कुछ देखा, वो नादा हैं जिन्होंने दुनिया में आके और कुछ देखा, न देखी यार की आंखें तो फिर बेकार की आंखें। जिसने जीवन में बिहारी जी के जादू भरे नैना नहीं देखे उसने क्या देखा। और ये ब्रज की महिमा है भाई कि जहां ये ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यैर आलक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य, कि अनेक अनेक प्रयास करने कर पर भी जिनके चारों चरणों की नख चंद्र चंद्रिका हृदय में नहीं आती, ध्यान में नहीं आती, वही श्री कृष्ण ब्रज की सीमा में छीना झपटी करते हैं। किसकी? छीन ले हंस के सबका ये मन, सखी मेरो राधा रमन। इसीलिए गोपी कहती है अरे कहा करूं वैकुंठ ले जहां कल्प तरु छाह, मैं कहा करूं वैकुंठ ले जहां कल्प तरु छाह, मोय ये ढाक सुहावने जहां प्रीतम की बाह, मोय ढाक सुहावने जहां प्रीतम की बाह।